अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आप लोग का जो इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री की जो बुनियाद है वो डिस्कस कर रहे थे, तो मुख्तलिफ टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए थे, और ब्रांचेस के साथ साथ हम जो मेन टॉपिक की तरफ अपने आ रहे थे, मैटर भी डिस्कस किया था, एलिमेंट भी डिस्कस किया था, और इसके सिंबल्स भी डिस्कस किए थे। फिर मैंने कंपाउंड के थोड़े से स्लाइड्स बनाए थे, वो थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की थी। आज कंपाउंड को ही पढ़ते हैं, यानी कंपाउंड को ही आज हमने पढ़ना है, लेकिन हमने बुक में पढ़ना है, ठीक हो गया? तो इसको जरा आप लोग देख ले, पेज नंबर 9 निकाले और ये याद रखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 तक हमारा काम हो गया था, तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 है। तो क्या लिखते हैं, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कंपोनेंट्स एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल H2O इज अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 2:1। चेंजिंग द रेशियो विल गिव डिफरेंट कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम विल गिव रेशियो 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। और फिर क्या लिखता है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल फार्मूला। अ फार्मूला शो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशियो टू विच टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सिंपल बात है। कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके। वो कहते हैं कि कंपाउंड, जैसा कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना मैटर की, तो कुछ प्योर मैटर थे और कुछ क्या थे, इनप्योर। तो जो प्योर मैटर थे उसको हम सब्सटेंस कहते थे, और वो दो किस्म के थे, कुछ एलिमेंट थे और कुछ क्या थे, कंपाउंड थे। तो हमने ऑलरेडी एलिमेंट को डिस्कस किया है, एलिमेंट को जिस चीज से रिप्रेजेंट करते उसको हम सिंबल कहते थे, ठीक हो गया? और एलिमेंट जो है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, ठीक हो गया? तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में एक यानी एक किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, एक किस्म के एलिमेंट या एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जो आपस में कंबाइन होते हैं कीमियाई तरीके से, और जो आपस में कंबाइन होते हैं उनके बीच जो रेशो होगा वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, किस चीज पे मुश्तमिल है, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके बनने कीमियाई तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और हमेशा याद रखे कि कंपाउंड जिस चीज से बनता है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल पानी है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। एक बार, दूसरी बात कि इनके बीच का जो रेशो है वो 2:1 तो होना चाहिए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होनी चाहिए। मतलब हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब उससे वाटर बनता है तो इनकी प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ हो जाती है। तो कंपाउंड में ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीजें आपस में मिल रही है उनकी प्रॉपर्टी और जो बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ होनी चाहिए, ठीक हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। यानी कंपाउंड जिस चीज से बना हो इनकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होनी चाहिए और उनके बीच रेशो भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल कहते पानी कंपाउंड है और ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा कि फार्मूला है H2O, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच रेशो क्या है, 2:1 है, यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। कहते हैं कि अगर आप इस रेशो को चेंज करें तो कंपाउंड भी मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अगर पानी को H2O को एक ऑक्सीजन और ऐड करें तो इससे बनता है H2O2, उसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, पिछले वाले स्लाइड में देखो, ये क्या है, वाटर को हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, H2O,
यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, H2O। इसका मतलब है कि वाटर H2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। इसको जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला। तो यही बात हमने लिखी है कि फार्मूला को हम क्या करते हैं, फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को सोडियम रिप्रेजेंट करते हैं उसके फार्मूला से, उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म का काम नेम उसको कहते हैं। आपने ज्यादा तफसील से नहीं जाना, सिर्फ ये सीखना है टेबल साल्ट, इसको सोडियम क्लोराइड NaCl, मार्श गैस मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। ठीक हो गया। और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बुनियादी तौर पे मिक्सचर की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, वेलकम फॉर टुमारो। याद रखिए आप लोगों का लेक्चर नंबर 7 है।